हेलो फ्रेंड, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल डोरेमोन के स्टाइल की केक। देखिए टोरा केक, जो खाने में बहुत ही यम्मी होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद भी होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम डोरा केक बनाएंगे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। डोरा केक बनाने के लिए ये मैंने एक कटोरी आटा लिया है, ये गेहूँ का आटा है। आप चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आधी कटोरी पाउडर शुगर और हमने 1/4 कटोरी लिया है मिल्क पाउडर। इसके बाद हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें ये हमारा आटा है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए मैंने सारे बाउल एक ही साइज़ के लिए हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं लिया है, ताकि आपको एक परफेक्ट मेजरमेंट पता चल सके। अब ये पिसी हुई चीनी है यानी कि पाउडर शुगर, इसे भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये है मिल्क पाउडर, इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच डालेंगे हम शहद। ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप शहद डालिए, अदरवाइज मत डालिए, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है, आपको ईजिली किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाएगा। अब इसको हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और इसके बाद मैंने एक कटोरी दूध लिया है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी, जितनी की मुझे आवश्यकता होगी। अभी मैंने देखिए थोड़ा सा दूध डाला है, इसके बाद मैं इसे मिक्स करूंगी। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा दूध मैं इसमें और डालूंगी। ये देखिए हमें इसका एक प्रॉपर अच्छा सा मिक्सचर तैयार करना है। ये देखिए ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक है, इसमें थोड़ा सा दूध मैं और डालूंगी। ये देखिए इसमें मेरा पूरा एक कटोरी दूध हमारा लग गया है, यानी कि जितनी हमने आटा लिया था उतना ही हमारा दूध प्रॉपर लगा है। और दूध की क्वांटिटी आपके मैदा ले रहे हैं या आटा ले रहे हैं उसकी क्वालिटी पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरीके का है। देखिए आपको ऐसा मिक्सचर बनाना है कि वो एक रिबन की तरह इस तरीके से टूटने लगे बिल्कुल इजीली। इस तरीके का ही हमारा एक मिक्सचर होना चाहिए, अच्छी तरीके से रिबन बन जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी की तरीके से इसको हम घोल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसे मैंने गैस पे रख दिया है। इस पर हम थोड़ा सा लगा लेंगे ऑयल, इस तरीके से पूरे पैन पे हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल केवल आपको एक ही बार लगाना है, आपको ऑयल बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से वाइप कर देंगे, पोंछ देंगे। ये देखिए, और तवे की फ्लेम को हम कर देंगे एकदम स्लो। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना ये थोड़ा केक, इसे हमें ज़्यादा नहीं डालना, बस आधा आधा चम्मच हमें लेना है और इस तरीके से बीच में डालना है। इस तरीके से हमें इसमें हाथ नहीं लगाना है, जितना फैलेगा अपने आप फैलेगा, हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ये देखिए अभी जाके सेट हो जाएगा। अब हम इसे देंगे ढक और धीमी आंच पे ही इसे बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि डोरा को केक पे हल्के हल्के से बबल आ गए हैं। इसको हमें अभी थोड़ी देर और कुक करना है। ढककर 3 मिनट हो गए हैं, हम प्लेट को करके देख लेंगे। ये देखिए डोरा केक को मैं पलटूंगी, देखिए कितना अच्छा कलर हमारे डोरा केक पे आ गया है। अब इसे हमें दोनों साइड से सेकना है। इसमें हल्के हल्के आपको ये छेद दिखाई दे रहे होंगे, वो इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें गेहूं का आटा लिया है। यदि आप इसमें मैदा लेते तो वो इस तरीके से छेद नहीं आते। अब हम इसे अच्छे से पलट पलट के सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मेरा सिक गया है। ये देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहे तो मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैदा बच्चों के लिए थोड़ा सेफ नहीं होती है और डोरा केक बच्चों के फेवरेट होते हैं, इसीलिए मैं मैदा की जगह आटे का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये देखिए मैंने एक डोरा केक और डाल दिया है, अब इसे भी हम ढक देंगे और ढक कर पकाएंगे। मैंने अपने सारे डोरा केक सेक लिए हैं, अब मैं इसमें चॉकलेट स्प्रेड लगाऊंगी। तरीके से ये चॉकलेट स्प्रेड है, ये मैं सारे केक पे लगाऊंगी और उसके बाद एक केक मैं इसमें
रख दूँगी। ये देखिए डोरा केक बिल्कुल तैयार है, लग रहा है ना बिल्कुल डोरेमन के डोरा केक जैसा। इसी तरीके से मैं सब पे लगा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे मेरे डोरा केक बनके तैयार हुए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।